ये है DFY की ग्रेविटी एक्स गाइज, जो कि कल लॉन्च हुए थे 800 रुपए में फ्लिपकार्ट पे, लिंक के नीचे आप जाके परचेज कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है यार, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं लिंक एंड प्रोडक्ट की डिटेल डालता रहता हूँ, जो भी लेटेस्ट है ये आने वाले, सो डू सब्सक्राइब दैट, गिव अवे भी आपको मिल जाएगा वहां पे। प्रोडक्ट क्या दम खम रखता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स। आपको प्रोडक्ट देखने मिलता है विद DFY ब्रांडिंग, एंड जैसे आप इसको निकालेंगे आपको पेपर वर्क, एक चार्जिंग केबल एंड टू पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयरबड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, विद टाइनी सा चार्जिंग केस, काफी छोटा सा यहाँ पे ईयरफोन्स के डिब्बे आपको देखने मिलते हैं, जहां पे बीच में एक अलग सी लाइन पैटर्न यूज है जो इसको थोड़ा सा स्टाइलिश एंड गुड लुक देता है। 4 LED इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं जो आपकी बैटरी हेल्थ को इंडिकेट करेंगे। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है पीछे की तरफ। ऊपर आपको DFY की ब्रांडिंग देखने मिलती है। ईयरफोन्स आपको मिलते हैं पूरा का पूरा इन ईयर डिजाइन के साथ, एंड ये बर्ड शेप में है, कोई भी स्टैंप आपको नहीं मिलते, जिस पे DFY की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। जहां तक इसको ईयर में आप फिट करते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा लगा लाइक टाइट फिट नहीं है, लूज है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा तेज दौड़ेंगे या जॉगिंग वगैरह करेंगे जिम वगैरह में, ये आपके ईयर से गिर ना जाए वो डर रहता है यहाँ पे। सो आप ट्राई कर सकते हैं विद डिफरेंट ईयर टिप्स, लार्ज एंड स्मॉल आपको मिलते हैं, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर लीजिए ताकि ईयरफोन्स गिरे ना। ब्लूटूथ 5.2 यूज हुआ है यहाँ पे, तो आप इनको पेयर कर सकते हैं, जस्ट लीड ओपन करनी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिक्कत थी मेरे फोन में, ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैंने ट्राई किया विद आईफोन एंड इजिली पेयर हो गई, iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के साथ इजिली कनेक्ट हो जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 मीटर की रेंज आपको मिल जाती है, तो अगर एक रूम से दूसरे रूम में आप जाते हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं आता। अब इसकी साउंड क्वालिटी हमने टेस्ट की विद डिफरेंट म्यूजिक, जहां तक साउंड आउटपुट की बात है तो यार बेस भी अच्छा है, वोकल की क्लैरिटी भी काफी हद तक मेंटेन करता है, एंड ओवरऑल एक पंची बेस आप बोल सकते हैं। डेफिनेटली यार 800 रुपए के हिसाब से साउंड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव लगी मेरे को। डिस्टॉर्शन आता हल्का फुल्का, इतना नोटिस नहीं होता, एंड जितना बजट आप पे कर रहे ना उससे तो ज्यादा ही वैल्यू आपको निकाल के देता है इन टर्म्स ऑफ साउंड। रही बात टच कंट्रोल की, तो ईयरफोन्स काफी रीचेबल ना, आप इनको यूज करें तो आप टच कर सकते हैं इजिली, म्यूजिक को प्ले करना है, पोज करना है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस म्यूजिक पे जाना है, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं ईयरफोन्स इजिली आप वो यूज कर पाएंगे। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है, एंड साथ साथ गाइस आपको मिलते हैं 60 ms की लो लेटेंसी, जो DFY ने कॉल किया ट्रबो लेटेंसी। तो हमने ट्राई आउट किया विद गेमिंग, रियल टाइम गेम चेक करना था, सो वाइल प्लेइंग गेम हम BGMI ट्राई आउट कर रहे थे, तो काफी मिनिमल सी लेटेंसी थी। कैजुअल गेमिंग तो मैं डेफिनेटली इसको यूज करके कर सकता हूँ, एंड इवन दो एनिमी के फुटस्टेप की साउंड हो, आपके टीममेट्स हो, तो एक सेपरेशन डिसेंट मेंटेन करता है, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे भाई हाँ ये एनिमी है, ये टीममेट है, एंड कैसे क्या हिसाब किताब चल रहा है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है। बैटरी बैकअप सिर्फ 20 hours बैटरी बैकअप देते हैं विद चार्जिंग केस, काफी कम मेरे को लगा, एंड इवन दो एक और मेजर इश्यू है वो है हीटअप का, तो भाई कौन से फोन हीट होते हैं चार्ज करते टाइम, तो ये हीट हो रहे थे आपके कान में, एक वॉर्म होता है, एक थोड़ा सा हीट होता है, तो थोड़ा सा हीट वाला है, वॉर्म वाला सीन है, हीट फील होगा आपके कान में, एंड उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो राइट आफ्टर चार्जिंग आप इनको यूज मत कीजिए अगर आपको अपने कान सेफ रखने हैं तो। एंड IPX5 की वाटर रेटिंग लेके आता है, स्वेट रेजिस्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा बेटर वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। हमने इसका माइक्रोफोन भी टेस्ट किया आउटडोर कंडीशन में आप लोग के लिए, चल एक बार रिजल्ट सुन लेते हैं। ये है ग्रेविटी एक्स, DFY की ओर से 700-800 रुपए के अराउंड सबको मिल जाते हैं। बढ़िया ईयरफोन दिख रही है, बट क्या इनके माइक्रोफोन भी उतने बढ़िया है? एक डिसेंट कॉलिंग के लिए क्या ही परफेक्ट रहेंगे आउटडोर कॉलिंग में, या फिर सिर्फ इंडोर बेस पे ही आप कॉल इनसे कर सकते हैं, कर पाएंगे? डू लेट मी नो। तो माइक्रोफोन के रिजल्ट आपने सुन लिया, आई थिंक आपको पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा भाई कैसा क्या माइक्रोफोन आपको मिलता है। मेरे हिसाब से तो यार आउटडोर में ठीक परफॉर्मेंस आपको दे देता है, प्राइस एक की फैक्टर होता है, वो मेंटेन करते हुए ईयरफोन्स काफी अच्छे हैं। दो पॉइंट बताऊंगा जो डील ब्रेकर हो सकते हैं, पहला हीटअप इशू, सेकंड बैटरी बैकअप काफी कम है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट में, साउंड हो, बेस हो, इवन दो ईयर फिटिंग भी थोड़े लिहाज से ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाते हैं। आप मेरे को बताएं क्या ये प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे, डू लेट मी नो, एंड एयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, काफी कम हमारे फॉलोअर्स वहां पे, सो सपोर्ट अस एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।